हेलो, वेलकम बैक। गिटार टॉक करते हैं थोड़ी सी। आज क्विक वीडियो करेंगे थोड़ी सी, और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पावर कॉर्ड्स के बारे में। अगर आपको पावर कॉर्ड्स ऑलरेडी आते हैं देन इट्स गुड, बट अगर हो सकता है आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन ना पता हो या मे बी कुछ हेल्पफुल लग रहा हो तो आप वीडियो देख लो। लेट्स सी। सो पावर कॉर्ड को आई थिंक 5 कॉर्ड भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें दो ही नोट्स होते हैं, 1 और 5। तो 1 तो होता ही है हर कॉर्ड में, सा जिसे बोलते हैं रूट नोट, और इसके साथ जो मेन नोट है वो है 5th नोट। तो ये सिर्फ दो नोट्स का कॉम्बिनेशन है, 1 और 5, दैट्स इट। तो ये सबसे छोटा कॉर्ड भी है। एक कॉर्ड को बनाने के लिए कम से कम दो नोट्स तो चाहिए, राइट? बिकॉज सिंगल नोट तो कोई कॉर्ड नहीं हो सकता। तो दो नोट्स जो हैं उसमें ये कॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल कॉर्ड है, इसलिए इसको शायद पावर कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इसकी साउंड में एक बोल्डनेस है। तो इसमें एक एटीट्यूड है, रॉक एंड रोल में भी इसीलिए यूज होता है, एक खास तरह की साउंड है। जबकि ये सबसे छोटा कॉर्ड है, तो अगर आप मेजर कॉर्ड लगाओगे तो कई बार हैवी साउंड्स पे, हैवी डिस्टॉर्शन पे वो उतना बिगर साउंड नहीं कर पाता कई बार कुछ पोजीशंस में, बिकॉज कहते हैं ना लेस इज मोर समटाइम्स। अगर आप कम करते हो प्ले तो कई बार वही ज्यादा होता है ऑडियंस के लिए या आपके लिए सुनने के लिए। सो आई थिंक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है लेस इज मोर का, कि आप कम चीज बजा रहे हो बट आपको आउटपुट तो कुछ डिस्कशन कर सकते हैं इस पे। इसको ये 5 कॉर्ड बोलते हैं और पावर कॉर्ड भी बोलते हैं, बट ये आप मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि ये सा और पा होता है, बेसिकली 1 और 5, बट इसे बिगर भी बनाया जा सकता है नोट्स को रिपीट करके, जैसे सा पा सा। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूं ई पावर कॉर्ड बजा रहा हूं, 0 on 6th string, ओपन स्ट्रिंग मतलब, और 5th string पे 2 and 4th string पे भी 2। तो मैं 3 स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं, 6th, 5th string and 4th string। तो इससे क्या हो रहा है कि सा पा सा 1 5 1, ये मैं 1 को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, तो ये ज्यादा बिगर, वही जो 1 5 था वो थोड़ा सा बिगर हो गया, 1 5 1 हो गया, ठीक है। सो इस तरह भी होता है कि आप बड़ा कर सकते हो उस कॉर्ड को, बिगर पोजीशन बना सकते हो। सिमिलरली ये एक जी पावर कॉर्ड है, इसमें बहुत सारी ओपन स्ट्रिंग्स भी आ रही हैं, बट इसमें देखो कौन से नोट्स यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली सा और पा ही होंगे क्योंकि पावर कॉर्ड है, सा पा अगेन सा एंड पा। तो सा पा दो बार आ रहे हैं जी कॉर्ड में, और ये वैसी वाली पोजीशन नहीं है पहले वाली, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें मैं 3rd फ्रेट प्ले कर रहा हूँ और 5th स्ट्रिंग को म्यूट कर रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, मेजर कॉर्ड नहीं लगा रहे हम, इसे म्यूट रखना है इस फिंगर की हेल्प से। और मैं बजा रहा हूँ 6th string, 4th string open, 3rd string open and 2nd string पे आ रहा है अपना 3rd फ्रेट, और 1st स्ट्रिंग भी म्यूटेड है। ये ज्यादा ह्यूज पावर कॉर्ड है बिकॉज 1 5 and 1 5 दो बार आ रहे हैं, पावर कॉर्ड ही है 1 5 ही है, बट इन अ डिफरेंट वे हम इसे यूज करें। तो मैंने आज आपको 3 तरह के पोजीशंस बताई हैं पावर कॉर्ड की, एक तो जस्ट सा पा या फिर सा पा सा, या फिर सा पा दो बार हम उसे रिपीट, एक बार रिपीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, और ये जी में, जी कॉर्ड में।
ACDC पावर कॉर्ड्स के लिए माना जाता है। तो ACDC बहुत ही फन बैंड है। आप अगर आप कवर करना चाहते हो ACDC के सॉन्ग्स, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप करो, क्योंकि उसमें इस तरह के कॉर्ड्स होते हैं और काफ़ी इंजॉयबल सॉन्ग्स होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगा होगा, इट्स ओके। सब्सक्राइब करना तो कर लो, नहीं तो रहने दो। बाय।